हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षयदीप्स किचन। तो दोस्तों, आज हम कोई रेसिपी नहीं बनाने वाले हैं। आज ना हम लोग हर्बल हेयर ऑयल बनाने वाले हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, समय से पहले आप गंजे हो रहे हो, डैंड्रफ हो रहा हो या फिर स्प्लिट एंड्स हो रहे हो, ये ऑयल हर चीज़ के लिए काम करता है। तो चलिए फिर हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख दी है, मोटे तले की होगी तो और अच्छा होगा। तो सबसे पहले ना हम कढ़ाई में डाल देंगे 1 चम्मच मेथी के दाने और 1 चम्मच कलौंजी डाल देंगे। अभी इसे ना हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, तो इसे हम थोड़ा सा अभी चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब ये कलौंजी का तो कलर हमें दिखेगा नहीं चेंज होते हुए, पर मेथी का ना थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो अभी अच्छे से हम 2 मिनट के लिए ना इसे रोस्ट कर लेंगे और छोटे से मिक्सर के जार में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, हमने ये मेथी और कलौंजी मिक्सर के जार में निकाल लिए हैं। अभी हम ना उसे दरदरा पीस लेंगे। अभी तब तक हम क्या करेंगे, इसी कढ़ाई में तेल डाल देंगे। तो यहाँ पे ये 300 ml तेल है नारियल का। तो इसमें हमने ना 2 गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल दी हैं। अभी इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। और जो ना अभी हमने मेथी और कलौंजी को दरदरा पीस लिया ना, वो सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी इसे एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। एक बार इसे ना चला लेंगे अच्छे से, उसके बाद जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है, उसको ना पतला पतला स्लाइस कर लिया है। तो हमने इसमें अभी प्याज डाल दिया। तो अभी प्याज डालने के बाद थोड़ा सा उसको हिला दिया हमने, देख सकते हो अब कितना झाग आ रहा है उसके ऊपर प्याज की वजह से। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी करी पत्ता। अभी करी पत्ते को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी करी पत्ता डालने के बाद हम डालेंगे सूखे हुए संतरे के छिलके। तो यहाँ पर ना संतरे होते हैं ना हमारे पास, उसके छिलके हम फेंक देते हैं, तो वो फेंकने नहीं चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं वो। तो मैंने उसको सूखा के रख दिया था, तो अभी हम वो छिलके भी इसमें डाल देंगे। अभी छिलके डालने के बाद हम उसमें डाल देंगे ये ना जासवंत का जो पेड़ होता है ना, रेड कलर के फूल होते हैं उसमें, ये उसके पत्ते हैं। ये हम 5-6 पत्ते लेंगे और उसको हम ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। आपके पास अगर उसके फूल मिल जाए आपको, तो आप वो फूल भी डाल सकते हो उसमें। अभी मेरे पास यहाँ पे फूल नहीं है, तो मैं बस पत्ते डाल रही हूँ। अभी उसको हम अच्छे से थोड़ा छोटा छोटा करके इसमें डाल देंगे, फिर से एक बार मिक्स कर देंगे। और अभी हमने जो एलोवेरा लिया था ना, 2 बड़े बड़े पीसेस, उसको हमने अच्छे से उसके छिलके निकाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अभी वो भी हम इसमें डाल देंगे, पूरा एलोवेरा हम इसमें डाल देंगे अच्छे तरीके से। अभी हम उसे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे, एकदम बारीक बारीक पीस में आप उसे कट कर लो और इसमें डाल दो। अभी एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ पे आपको यह ऑयल का कलर दिख रहा होगा, एकदम ट्रांसपेरेंट है जैसे हमने डाला था वैसे। अभी हम इसे ना 1/2-1.5 घंटा एकदम धीमी आंच पर उबल के लेंगे, तो इसका कलर ना चेंज हो जाएगा। तो हमें ऐसा ही करना है, उसका कलर चेंज करना है, क्योंकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं ना, उसका पूरा अर्क इसमें उतर जाना चाहिए, तभी इसका फ़ायदा होगा। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से अभी मिलाते रहेंगे। अभी अपनी सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं अच्छी तरीके से। अभी हम इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे और इसको उबालते रहेंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हो, 1/2 घंटे के बाद ये प्याज करी पत्ता पूरा सूख चुका है, एकदम ड्राई हो चुका है फ्राई होके, और पूरा कलर उसका चेंज हो चुका है। अभी इसी तरीके से हम और थोड़ी देर उसे उबाल लेंगे। तो यहाँ पर ना अभी 1/2 घंटा हो चुका है हमें ये ऑयल उबालते हुए। अभी हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अभी ठंडा होने के बाद देख सकते हो आप कैसे दिख रहा है, इसका झाग पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अभी हम ना इसे एक कटोरी में छान के ले लेंगे। तो यहाँ पे ना मेरे पास मिट्टी का बर्तन है और ये चाय छानने की छन्नी है, उसमें से हम ये ऑयल छान लेंगे। अभी पूरा ऑयल हम इसमें से इसी तरीके से छान लेंगे।
तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इसी तरीके से ना मैंने सारा ऑयल छान के निकाल लिया है। यहाँ पे हमने जितना ऑयल डाला था ना उससे बस ये थोड़ा सा ही कम हो चुका है, ज़्यादा नहीं ऑयल वेस्ट हो गया। अभी जो ये इंग्रेडिएंट्स है ना जो सूखे हुए वो हमने एकदम अच्छी तरीके से उसमें का ऑयल छान के लिया है और उसको एक बड़ी सी छन्नी में रख दिया है ताकि जो और भी ऑयल हो उसमें वो नीचे गिर जाए। तब यहाँ पर ये एकदम अच्छी तरीके से सूख चुका है। तो आपको ना इसे भी फेंकना नहीं है, आप इसे एक प्लेट में रख दो नहीं तो एक डब्बे में स्टोर करके रख दो। और जब भी आपको अगर बाल धोने हैं ना उस दिन आप इसको मिक्सर में ग्राइंड करके उसका पेस्ट अपने बालों पे लगा लो, वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो वो ना एक फेस पैक का काम करेगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमारा ऑयल कितना सारा निकल चुका है, जितना हमने डाला था उतना ही बराबर निकल चुका है। तो अभी आपको ना अगर कल बाल धोने हो तो आज रात को आपको ये पूरे अच्छी तरीके से स्कैल्प पे पूरे बालों पे मसाज करना है और सुबह बाल धो डालने हैं। तो इसी तरीके से अगर आप एक महीने तक इसे लगाओगे ना तो आपके बाल एकदम अच्छी तरीके से लंबे हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, काले भी हो जाएंगे और गिरना भी बंद हो जाएगा। अभी हम इस तेल को ना एक कंटेनर में निकाल लेंगे और उसका ढक्कन लगाकर इसको अब स्टोर कर देंगे हम। ये जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसका कोई ऐसा ये नहीं कि इसका डेट ख़त्म हो जाएगा ऐसा वैसा कुछ भी, आप जब तक ये ख़त्म नहीं होता तब तक इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये ऑयल तो एकदम फ़ायदेमंद है, एकदम बढ़िया है, आप इसे ज़रूर बना के ट्राई करिए और मुझे ज़रूर बताइए। Thank you for watching my video.